जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार देने के लिए। देखिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बटन दिखाई दे रही है, उससे दबाएँ और चैनल से जुड़ जाएँ। स्टूडियो में बात करना चाहता हूँ आपकी राशि की, इन बातों को आप अकेले में देखें, इन बातों पर आप खुद एनालिसिस करें ताकि आपको जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना आए। इन बातों को जानने के बाद पहली बात कि हम आज चर्चा करने वाले कि आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाते हैं और बहुत अच्छे से वो ज्योतिष का से एनालिसिस करते हैं और आपको जो भी राय बताते हैं आप उसे फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल आम और सामान्य बात मैंने आपसे शेयर की, लेकिन इसका जो एक इम्पैक्ट है जिस पर मैं आप चर्चा करना चाहता हूँ कि कई बार हमें जो रत्न पहनने के लिए कहा जाता है, जो रत्न हम पहनते हैं, वो रत्न दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर करते हैं, लेकिन वर्तमान ग्रहों की दशा स्थिति के अनुसार, वो जो ग्रहों के हिसाब से उसका इम्पैक्ट नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होता है और उसका समय समय पर हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सिर्फ साल में एक बार जाएंगे बता के आपको कहा कि पुखराज पहन लीजिएगा, नीलम पहन लीजिएगा, रूबी पहन लीजिएगा, माणिक पहन लीजिएगा, जो भी आपके राशि के हिसाब से है बताया होगा आपने, वो पहन लिया होगा। आप तो उस समय पहनकर केवल आपने उन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने को साधने के लिए, प्राथमिक उपचार के लिए उस चीज़ को फॉलो कर लिया और आपने उसे धारण कर लिया, लेकिन जो इम्पेक्ट हैं, तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एनालिसिस करने के लिए कह रहा हूँ और ये बात सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेशित कर रहा हूँ कि जब भी आपके हालात खराब हो रहे हों, बिल्कुल सब सामान्य चल रहा है, आज भी सब कुछ अच्छा है और एकदम से डाउनफॉल में जा रहे हैं कि नुकसान हो गया, दुर्घटना हो गई, बच्चा बीमार है, पत्नी बीमार है, मैं बीमार हूँ, आप बीमार हो, सब बीमार है, समझ नहीं आ रहा, अभी विवाद हो गया, ये हो गया, सब जितने भी सामान्य चीज़ें चल रही थी इसमें थोड़ा उथल पुथल सा लगे, तो अपने शरीर पर धारण किया हुआ कोई भी धातु, मेरी याद रखिए बात, कोई भी धातु, सोना, तांबा, चांदी, पीतल, पुखराज, नीलम, माणिक, जो भी रत्न पहना हो सभी आप उतार दें। एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ और एकदम प्राथमिक बात शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी धातु, चाहे लोहे संबंधित कोई भी चीज़ धारण नहीं करनी है, सोना भी धारण नहीं करना है और चांदी, कोई भी रत्न नहीं धारण करना, उन्हें सब उतार दें। अब 8 दिन में यदि आपको लगता है कि हाँ हमें पॉजिटिव इम्पेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, 8 दिन में, 10 दिन में, देखिए जो एकदम से बिगड़ा है वो एकदम से ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आपको इम्प्रूव लगेगा कि हम 8 दिन पहले कहाँ खड़े थे और आज कहाँ हैं। अगर आपको इम्प्रूव लगता है तो उसे कंटिन्यू रखें, और अगर आपको इम्प्रूव नहीं लगता है कि नहीं मैं इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अच्छे से एनालिसिस करवाएं, अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर अच्छे से एनालिसिस कराएं और तभी कोई भी निर्णय तक पहुँचें, ठीक है। एक और उपाय जो मैं कह देना चाहता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए हालात अच्छे हैं, खराब हैं, बुरे हैं, ये चलता रहता है, आप ओम नमः शिवाय का जाप जीवन में, ये बात कि मुझे आज दिन भर में 151 बार या 101 बार, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि जाप जो सबसे बड़ा रत्न है। अगर आप जितना जाप करेंगे ना, आप, मैं तो गारंटी लेता हूँ, कहता हूँ कि आप राम का नाम 15 दिन तक सतत नहीं ले सकते हो। अगर आप रोज 100 ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो 50 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 25 हो जाएगा 15 दिन के अंदर, और 15वें दिन आप नाम लेना ही भूल जाएंगे, आपकी व्यस्तता इतनी सकारात्मक व्यस्तता हो जाएगी आप नाम नहीं ले पाएंगे। एक अलग विषय है, इसीलिए मैंने एक पर थोड़ा सा अलग सी चर्चा करी इस विषय पर, इसलिए मैंने अकेले में देखने के लिए बात की कि शायद ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एक बार, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है वास्तविकता में ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ज्योतिष का एनालिसिस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।